दोस्तों पहले ही ओवर में खराब शॉट खेलकर आउट होने के बाद एलएसजी के ड्रेसिंग रूम में केएल राहुल और एलएसजी के मालिक संजीव गोइंका के बीच देखने मिली जबरदस्त बहस। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया है दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2024 के 64th लीग मैच का, जहां डीसी की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और एलएसजी के सामने जीत के लिए 209 रन का बड़ा टारगेट रख दिया, जिसके बाद एलएसजी की टीम इस टारगेट के बोझ तले दब गई और एलएसजी को एक और करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के पहले एलएसजी की बैटिंग के पहले ही ओवर में केएल राहुल ईशांत शर्मा की बाउंसर बॉल पर 5 रन बनाकर कैच आउट हो गए, जिसके बाद एलएसजी के ऑनर संजीव गोइंका का रिएक्शन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया और फिर ड्रेसिंग रूम में केएल राहुल के साथ उनकी थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखने मिली। दोस्तों क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट में बताइए।